हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टेक्निकल नगेट। और आज हमारा सेकेंड डे है जो है CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग के ट्यूटोरियल्स का। तो चालू करते हैं आज का हमारा टेक्निकल नगेट। नगेट नंबर टू, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ राउटर्स के बारे में और टोपोलॉजी। तो दोस्तों, मेरे को पहले ये बताना है कि ये जो भी मेरे नगेट्स है ये सब मेरे प्री रिकॉर्डेड नगेट्स है। तो कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में डालो, मैं एक साथ में जो भी पूरे वीक के क्वेश्चंस होगा उसके ऊपर एक नगेट बनाकर वो क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा। तो चले जाते हैं हमारे इस टॉपिक पे जो है राउटर। राउटर जो सबसे अमेजिंग डिवाइस है जो काम करता है इंटरनेट पे। अभी दोस्तों मैंने लास्ट नगेट में बताया था स्विच के बारे में। स्विच एक ऐसा डिवाइस है जो नॉर्मली वर्क करता है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा खुद का एरिया है, मतलब ये मेरा खुद का ऑफिस है, ये पूरा मेरा खुद का ऑफिस है, तो स्विच हो गए तो वो मेरे ऑफिस के कंप्यूटर्स को ही क्या करता है, कनेक्ट करता है मेरे मतलब लैन नेटवर्क पे, बराबर। लेकिन राउटर एक ऐसी चीज़ है जो मुझे मेरे नेटवर्क के बाहर जाकर बाहर के नेटवर्क के साथ भी कनेक्शन देता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूँ, ये मेरा है मेरा खुद का लैन नेटवर्क, यहाँ पे मेरा स्विच कनेक्टेड है, ओके, और इधर से मेरे बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, और इसके बाहर राउटर के बाहर आ जाता है बाहर का नेटवर्क। तो ये मेरा लैन नेटवर्क है और इसके बाहर, मतलब फॉर एग्जांपल समझ लो, अगर आईपी एड्रेस का नॉलेज होगा, एक बेसिक सा आईपी एड्रेस लेते हैं 192.168.0.1, ये मेरा नेटवर्क है। और बाहर का नेटवर्क है समझ लो 11.23.45.1, ऐसा कुछ। तो मेरा राउटर का काम है कि वो मेरे एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में क्या करवाता है, कम्युनिकेट करवाता है। चलो एक फंडा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अभी फॉर एग्जांपल एक फंडा होता है प्राइवेट एंड पब्लिक एड्रेस का। क्या होता है, प्राइवेट आईपी एड्रेस एंड पब्लिक आईपी एड्रेस। मुझे अभी ये टॉपिक पे जाना नहीं था, लेकिन इसके बारे में मैं बेसिक सा थोड़ी सी चीज़ बता देता हूँ। प्राइवेट आईपी एड्रेस वो होता है जो हमारे खुद के, मतलब इस जो मेरा खुद का राउटर है उसके अंदर यूज़ किए जाते हैं, और पब्लिक आईपी एड्रेस होते हैं जो राउटर के बाहर होते हैं। समझ में आया? तो ये पब्लिक आईपी एड्रेस होता है। तो प्राइवेट आईपी एड्रेस का एक अलग नेटवर्क होता है, पब्लिक आईपी एड्रेस का एक अलग नेटवर्क होता है, और राउटर एक ऐसा डिवाइस है जो दोनों के बीच में काम करता है। मतलब मेरे खुद के नेटवर्क में से बाहर निकलकर बाहर के नेटवर्क पे वो क्या करता है, कम्युनिकेट करवाता है। तो दिस इज़ अ राउटर जो काम करता है डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क पे। अभी बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे हैं, यार मेरे घर पे भी एक राउटर है जो एक छोटा सा डिवाइस है, उसके ऊपर एंटीना है। दोस्तों दैट इज़ अ डिफरेंट राउटर, वो हो सकता है टीपी लिंक का, वो हो सकता है डी लिंक का, या नेटगियर के ऐसे राउटर। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ यार सिस्को के राउटर के बारे में, जो ऐसे दिखते हैं, इतने बड़े बड़े राउटर्स होते हैं। ये है मेरे सिस्को के राउटर्स। इन स्पेसिफिक पोर्ट्स के बारे में जब मैं स्पेशली राउटर्स का जब नगेट आएगा, जब मैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करूंगा, तब मैं डिस्कस करूंगा कि ये सब क्या पोर्ट्स है। लेकिन दिस इज़ द राउटर, ये राउटर ऐसा दिखता है, इज इट अमेजिंग? यस इट इज़। अगर मैं सिस्को के डिवाइस में जैसे आइकन में बताऊँ तो राउटर को ऐसे ड्रॉ किया जाता है जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, स्विच को ड्रॉ किया जाता है ऐसे, और ये है मेरा राउटर। दोनों में फ़र्क अगर आप प्रॉपरली देखोगे तो स्विच में बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, दिखाई दे रहा है आप, बहुत सारे मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं। जैसे मैंने बताया था सिस्को का स्विच है जो नॉर्मली 24 पोर्ट्स से लेके 48 पोर्ट्स का है, और राउटर ऐसा है जिसमें फास्ट इंटरनेट पोर्ट्स भी होते हैं, जिसमें सीरियल पोर्ट्स भी होते हैं, जो बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। अभी दूसरी चीज़, मैं इनके फिजिकल कनेक्शन के बारे में बात करूं, जिसको हम बोलते हैं टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मतलब है कि फिजिकल कनेक्शन। अभी फिजिकल स्ट्रक्चर,
अभी मैंने इस टोपोलॉजी के बारे में मेरा एक स्पेशल वीडियो है जो नेटवर्किंग का वीडियो है, वो बहुत सारे व्यूज़ लाया है, जो अभी ऑलमोस्ट ये टाइम पे इट इज़ मोर देन 35,000 व्यूज़, जो बहुत लोग पसंद कर रहे हैं और मेरा सबसे ट्रेंडिंग वीडियो है मेरे चैनल पे। तो उसमें मैंने बहुत सारी टोपोलॉजीज़ के बारे में बताया है और उसमें से ये भी एक टोपोलॉजी है जो है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी जो ऐसा दिखता है, मतलब एक सेंट्रलाइज डिवाइस जो है स्विच, और उससे बहुत सारे डिवाइसेस क्या है कनेक्टेड है। तो दिस इज़ नोन एज स्टार टोपोलॉजी। क्योंकि इसमें क्या फ़ायदा है, अगर मेरा कोई भी मतलब कोई भी डिवाइस फेल हो जाएगा तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जब तक मेरा स्विच स्टैंड है। और ये बहुत सारे डिवाइसेस से क्या करवाता है, कम्युनिकेट करवाता है। जैसे हम लोग ने पढ़ा, स्विच इज़ अ स्मार्ट डिवाइस और वो वन टू वन यूनिकास्ट भी करवाता है, मल्टीकास्ट भी करवाता है। ओके, अब दूसरा टोपोलॉजी है जो है मेश टोपोलॉजी। मेश इज लाइक कनेक्टिंग ईच एंड एवरी डिवाइस विद ईच अदर। अभी ये मेरा राउटर है, ये राउटर हर एक से कनेक्टेड है, दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी कनेक्टेड है, यहाँ से, चाहे तो ये कनेक्शंस की ज़रूरत भी नहीं है। अगर मैं इन कनेक्शंस को निकाल दूँ तो भी ये कनेक्टेड है, देखो 1 2 3। लेकिन मेश टोपोलॉजी क्यों किया जाता है, क्योंकि एक बैकअप की तरह, ये बैकअप की तरह होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको मिटा दूँ, अगर मैं देखूँ, ये देखो, अगर एक भी कनेक्शन फेल हो जाएगा या दो भी कनेक्शन फेल हो जाएगा, ये कनेक्टेड है कैसे ना कैसे एक दूसरे से। तो दिस इज एक्चुअली मेश टोपोलॉजी। लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव भी होता है और इतने सारे वायर्स, अगर हर एक जगह पे आप मेश यूज़ करो, इतने सारे वायर्स, इट्स वेरी हार्ड टू ट्रबल शूट। और दूसरा एक है हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब इन सब का कॉम्बिनेशन, कि ये यहाँ से इधर कनेक्ट हो गया, हो सकता है फिर यहाँ से दूसरा स्विच कनेक्टेड हो, फिर वो स्विच दूसरे स्विच के साथ कनेक्टेड हो, फिर वो स्विच तीसरे स्विच के साथ ऐसे ही कनेक्टेड हो, समझ रहे हो, फिर वो भी एक मैश बन सकता है। तो हाइब्रिड इज कॉम्बिनेशन ऑफ एवरी टोपोलॉजी। अभी मेरे टोपोलॉजी वाला जो मैंने नेटवर्किंग के वीडियो के बारे में बात किया है, उसमें मुझे एक क्वेश्चन, एक कमेंट आया था कि आपने सर, आपने एक टोपोलॉजी नहीं बताया है, वो टोपोलॉजी है डेजी चेन टोपोलॉजी। तो डेजी चेन टोपोलॉजी जो मैंने बोला था, वो टोपोलॉजी एक्चुअली, ये जो टोपोलॉजी, ये टोपोलॉजी है कि एक स्विच दूसरे स्विच के साथ कनेक्ट हो, दूसरा स्विच तीसरे स्विच के साथ कनेक्ट हो, तीसरा स्विच चौथे स्विच के साथ कनेक्ट होगा। तो ये एक दूसरे से मतलब कनेक्ट होते जाते, नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये वैसा चीज़ है। तो दिस इज एक्चुअली नोन एज डेजी चेन टोपोलॉजी, कि हर एक स्विच एक दूसरे स्विच के साथ कनेक्टेड है और वो नेटवर्क क्या होता जा रहा है, बढ़ता चले जा रहा है, समझ में आया। तो एक्चुअल में अगर मैं एक स्पेशल छोटा सा टोपोलॉजी बनाने जाऊँ, जो होगा फॉर एग्जांपल मेरा एक राउटर जो मैं ऐसे ड्रॉ करूँगा, सिस्को में, सॉरी वापस अच्छे से ड्रॉ करते हैं यार, थोड़ा क्रिएटिव लगना चाहिए, तो ये मैं थोड़ा ले लेता हूँ, सॉरी मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। फिर दूसरा है, मैं स्विच ले लेता हूँ, स्विच को हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। फिर तीसरा, कंप्यूटर से वो कनेक्टेड है, ये एक बेसिक सा चीज़ है, जो राउटर स्विच कंप्यूटर, हो सकता है ये राउटर दूसरे राउटर के साथ कनेक्टेड हो सकता है ये स्विच दूसरे स्विच के साथ कनेक्टेड हो। टोपोलॉजी डिफर्स जैसे आपको रखना है, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखो, जितना ज़्यादा वायर्स रखोगे उतना वो हार्ड हो जाएगा मैनेज करने के लिए, कॉन्फिगर करने के लिए, एंड इट्स अप टू यू हाउ वॉट एवर यू प्रेफर। नॉर्मली कंपनीज़ में जो छोटे छोटे कंपनीज होते हैं, एक एक ऑफिस है, तो नॉर्मली दे प्रेफर स्टार टोपोलॉजी। वैन नेटवर्क में येस, इट इज़ अ मेश टोपोलॉजी, क्योंकि सब राउटर एक दूसरे से कनेक्टेड है। नॉर्मली ये वैन में यही होता है, इंटरनेट जो हम बोलते हैं। तो ओके फाइन दोस्तों, अभी रात के बज रहे हैं 5, अगर मैं बोलूँ तो इट्स रात, इट इज़ मॉर्निंग, 5 AM हो रहा है और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड तो फिलहाल के लिए अभी हम ये नगेट को यहाँ पे क्लोज करते हैं, नेक्स्ट नगेट में हम बात करेंगे। दोस्तों एक और चीज़ मुझे बोलना था, जैसे मैंने बोला कि क्वेश्चंस करो, कमेंट में डालो क्वेश्चन, यार आपको कोई डाउट है
या फिर मेरा मेल आईडी देखो, यूट्यूब चैनल पे मेरा मेल है, वहाँ पे कुछ बड़े डाउट्स है तो मुझे मेल करो, मैं पूरा ट्राई करूँगा कि आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर। यार दोस्तों शेयर करो कि दूसरे लोग भी सीख सके इस वीडियोस को देखकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्निकल नगेट। दोस्तों आई होप सो आज का नगेट आपको पसंद आया। तो आज का जो मेरा सवाल है वो ये है कि राउटर कौन से लेयर पे काम करता है। मैंने मेरे नगेट में बताया है कि राउटर कौन से लेयर पे काम करता है, तो उस सवाल का जवाब दो नीचे कमेंट में और देखते रहो टेक्निकल नगेट।